हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान में हो रही देरी को लेकर अब दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कैप्टन अजय यादव ने बड़ा बयान देते हुए अपनी नाराजगी जताई। वहीं चर्चा है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं हो पाए हैं, लिस्ट में देरी हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये नाम तय कर लिए हैं, लेकिन लिस्ट को फिलहाल होल्ड पर डाला गया है। लेकिन इस बीच संभावित दावेदार वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं और नाराजगी भी जता रही हैं। कैप्टन अजय यादव ने आज खुलकर ये कह दिया है कि टिकटों में जो देरी हो रही है और जो यहाँ पर टिकट अनाउंस करने में जिस तरीके से मंथन हुआ है और उसके बाद भी टिकट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, उसके चलते यहाँ पर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा टिकटों पर घमासान मचा हुआ है। कैप्टन अजय यादव ने आज टिकट की घोषणा में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए खुलकर बयान दिया है। कैप्टन अजय यादव ने गुरुग्राम सीट पर अपनी दावेदारी जताई है, तो वहीं राजबब्बर की दावेदारी को लेकर नाराजगी भी जताई है। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि फिल्म स्टार चाहिए तो रणवीर ऋतिक लाओ, राज बब्बर क्यों चाहिए? अब वो हमारे यहाँ राज बब्बर को रख दिया। अरे मैं कहता हूँ रणबीर सिंह को ले आते हैं, रणधीर कपूर को ले आते हैं, आप ऋतिक रोशन को ले आते, कम स्टार तो हैं, फिल्म स्टार जो जो मुझे कोई तकलीफ नहीं है राज बब्बर जी को टिकट दें आप, लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम तो किया होना चाहिए ना। कार्यकर्ता जो इंतजार में बैठा हुआ है दिल मिला रहा है कि कब जो है लिस्ट निकलेगी, इसका खामियाजा कौन कौन भुगतेगा? पार्टी भुगत रही है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दरअसल सब कमेटी की रिपोर्ट और लंबी चर्चा के बावजूद अब तक कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि नाम तो तय हो गए हैं, पर दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए फिलहाल नाम को होल्ड पर रखा गया है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद ही हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट में एक से ज्यादा दावेदारों के चलते भी देरी हुई है। कांग्रेस के पैनल में 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर एक से अधिक दावेदार हैं। जिन टिकटों पर विवाद हो रहा है उनमें भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी शामिल है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के बीच मुकाबला है, तो वहीं फरीदाबाद सीट पर भी महेंद्र प्रताप सिंह और करण दलाल के बीच मुकाबला चल रहा है। हरियाणा की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और टिकट आवंटन के मुद्दे को प्रदेश में पार्टी के सभी गुटों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। इससे पहले कई बार उम्मीदवारों की लिस्ट पर बैठकें हो चुकी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के गुटों ने उम्मीदवारों पर सहमति नहीं जताई, तो हाईकमान ने सब कमेटी का गठन किया था। ये विवाद इतना बढ़ा है कि सब कमेटी की बैठकों के बीच हरियाणा कांग्रेस के कई नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अंबाला, सिरसा, रोहतक और हिसार को लेकर कोई पेच नहीं है। इन सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक वरुण मुलाना, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और बजेंद्र सिंह के नाम फाइनल हो चुके हैं। एक से ज्यादा नाम वाली 5 लोकसभा सीटें हैं, इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत और करनाल सीट पर एक से ज्यादा दावेदारों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं और इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और अब यहाँ पर कैप्टन अजय यादव ने भी गुरुग्राम सीट को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर बयान कर दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।